खबर भिंड से है, जहां जिले में मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसी बिजली विभाग का घेराव करने पहुंचे और एसई के चैम्बर में पहुंचकर 15 मिनट के लिए बिजली गुल कर दी। इस दौरान गर्मी से पसीने से तरबतर हो रहे अधीक्षण यंत्री समेत अन्य कर्मचारियों के सामने प्रदर्शन करते हुए लालटेन जलाकर हाथ से चलने वाला पंखा सौंपा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने ज्ञापन सौंपते हुए अधीक्षण यंत्री अशोक शर्मा से मांग की, जिले में जिस तरह से लोग 15-15 घंटे की अघोषित कटौती से परेशान हैं, इस समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। साथ ही बिजली संकट के समय जनता द्वारा जब अधिकारियों को फोन किया जाता है तो कोई अधिकारी आम जन के फोन नहीं उठाते, और अगर अधिकारी कर्मचारी फोन उठा भी नहीं तो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। ऐसे में जनता इस भीषण गर्मी में परेशान रहती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है, यदि इन समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में अगला प्रदर्शन कार्यालय के एसी पंखा वाले चैम्बर में नहीं होगा, बल्कि शहर के मुख्य चौराहे पर ऐसी भीषण गर्मी में अधिकारियों को खड़ा रखकर किया जाएगा। अधीक्षण यंत्री अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि भिंड जिले में कटौती जैसी कोई समस्या नहीं है। तापमान बढ़ा होने के चलते ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहे हैं, बिजली की खपत बढ़ गई है, इसकी वजह से मेंटेनेंस समय समय पर करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने माना कि कई कर्मचारियों द्वारा अपना काम ठीक से नहीं किए जाने की शिकायतें आई हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा गया है। अब साहब क्या होता है कि राधु निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर व्यापी यह आंदोलन था। हर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में और जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। आज कांग्रेस के तमाम साथियों ने आम जन जिस प्रकार से जिले और प्रदेश भर में ग्रसित है, आज जिले भर में आप और हम सब लोग देख रहे हैं, विद्युत कटौती देख लो, इनकी विजिलेंस की टीम विद्युत विभाग की टीमों द्वारा उन्हें जाकर चोरियों की बिजली पकड़ने के एवज में अवैध वसूली की जा रही है। लगातार लोगों को अनुमानित बिल देने का काम किया जा रहा है। जिले भर में 10 से 15 घंटों तक कटौती, ग्रामीण अंचल से बुरा हाल तो शहरों में कर दिया है इनकी कार्यप्रणाली, इनकी व्यवस्था ने। निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के तमाम साथियों ने, तमाम पदाधिकारियों के साथ आज जिला मुख्यालय पर विद्युत विभाग के एसी के कार्यालय में हम सब लोगों ने विद्युत व्यवस्था को बंद करते हुए 15 मिनट तक उनके चैम्बर की लाइट बंद की और उन्हें इस बात का एहसास कराने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से आपने 15 मिनट में महसूस किया है, जिस प्रकार से लोग पसीने में तरबतर हो गए, ऐसी स्थिति भिंड जिले के हर घर में 15-15 घंटों आमजन की ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसा आपने 15 मिनट में महसूस किया है। आपने क्या मांग करी? निश्चित तौर पर हमारी मांग थी कि जिले भर में जिस प्रकार से अघोषित कटौती चल रही है, इसमें सुधार किया जाए, और जो भी अगर मेंटेनेंस के नाम पर एक आध घंटे यदि कोई कटौती की जा रही है तो उसकी पूर्व में सूचना दी जावे, एक दिन पूर्व में सूचना दी जावे, तो उसके बाद यह अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमने कहा है। भिंड शहर में किसी भी प्रकार की कोई बिजली कटौती नहीं है। प्री मानसून मेंटेनेंस मई जून में हमारे संधारण कार्य चल रहे हैं, लाइनों के ट्रांसफार्मरों का मेंटेनेंस चल रहा है, लाइनों का चल रहा है, FOC की कंप्लेंट अटेंड करने के लिए काम किए जा रहे हैं। कटौती नाम की कोई चीज़ नहीं है। कटौती नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि जगह जगह ट्रांसफार्मर आग लग रही है। टेम्परेचर कितना चल रहा है? 48 डिग्री सेंटीग्रेड में तो हर चीज़ डिजाइंड है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजाइंड है, उससे ज़्यादा लोडिंग चलेगी तो भाई केबल में शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगी, ट्रांसफार्मर भी फेल होंगे। अब जो हो रहे हैं उनको बदल रहे हैं, उसका कारण थेफ्ट भी है। विद्युत चोरी का जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा है, और विद्युत कटौती या विद्युत की कम बात करें तो पिछले साल से हम 25% ज़्यादा बिजली इस साल दी हमने इसमें हम आम है।
एक मई से लेके 15 मई 21 में हमने जो बिजली दी थी वो 1 मई 22 से 15 दिन में अभी 16 दिन में हमने करीब 25% ज़्यादा बिजली दी है। हमारे पास में पूरे पर डे आंकड़े रहते हैं, फीडरों पे एमडास लगे हुए हैं, मीटर्स लगे हुए हैं, उससे हमारा इनपुट आता है कौन फीडर पे हमने कितना दिया है। क्योंकि लगातार जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस समय गर्मी के मौसम में बढ़ रहे हैं उसकी वजह से लोड भी बढ़ रहा है, तो क्या इसमें ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी भी बढ़ाने की ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जरूरी है, हम ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि भी कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे धर्मपुरी में भी ट्रांसफार्मर बदला था जिसमें आग लगी थी, सेम डे बदला था शाम को, केबल उसकी जली थी, केबल भी रिप्लेस की है। कई जगह अभी ट्रांसफार्मर में हमने क्षमता वृद्धि की है, पहले भी सर्वे करवा के जहाँ जहाँ लोड बढ़ा है वहाँ ली, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोड बढ़ना ट्रांसफार्मर बढ़ाना ही समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ हमारे नंबर ऑफ कनेक्शंस भी आने चाहिए।